फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको अंकुरित गेहूं और अंकुरित कुट की दाल, जिसका यूज कश्मीर में ज़्यादा होता है और केरल में, ये है हमारे लोबिया बीन्स और ग्रीन मटर, इन चीज़ों को सबको मैंने अंकुरित कर दिया है। और अब इसकी मैं गुगरी बताऊंगी, जिसको पहले मैं बॉयल करूंगी, क्योंकि जो हमारा गेहूं है थोड़ा सा बॉयल करना उसे ज़रूरी है, कच्चा हम इसे फ्राई नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले मैं लोबिया बीन मटर और इसको सबको बॉयल करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस गुगरी को बनाया जाए। गुगरी की मैंने जो बताया था वो मैंने बॉयल कर लिया, इसके साथ मैंने आलू भी दो बॉयल किया है और ये सब हमारे बॉयल हो चुके हैं। तीन सीटी दिया था इनको, क्योंकि तीन सीटी में अच्छे से नरम हो गए। ये मैंने लिया है लहसुन और जिंजर, 4-5 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच जिंजर, ये थोड़ी सी धनिया है, ये मैंने शाह जीरा लिया, प्लेन जीरा भी यूज कर सकते हैं, 1 बड़ी प्याज, ये मैंने गरम मसाले और इसके साथ थोड़ी सी धनिया है, ये हमारा जो चिली सॉस है, पर इसमें मैंने नमक और चीनी कुछ नहीं मिलाया था, ये मसाले के तौर पे मैंने इसे रखा। अपनी मूंगफली रोस्ट होने रख दी है, मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैंने पॉटरी में जीरा डाल दिया था, तेल ये पक रहा है, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, और क्योंकि पॉटरी काफी गर्म हो चुकी थी इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया था जब हम मूंगफली भून रहे थे, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, मैंने तेल काफी कम डाला है क्योंकि ये हेल्दी बन रही है गुगरी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल का कम इस्तेमाल किया है। अब मैं नमक और लहसुन अदरक गलने के लिए डाल दूंगी, ताकि हमारा अच्छे से अदरक लहसुन गल जाए। मैं अपने मसाले के पेस्ट में पानी मिला दे रही हूँ, पर इसे हम प्याज अच्छी तरह से जब भून जाएगी तब यूज करेंगे, नहीं तो हमारी प्याज कच्ची रह जाएगी। अब मैंने इसमें आलू भी अपनी मिला दिया है और नमक मिलाया था, इस तरह हमारी प्याज अच्छे से गल रही है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, मैंने इसमें हल्दी वगैरह यूज कर लिया है और आप अलग से डाल दीजिएगा। ये जब गुगरी बन जाएगी तब हम ऐड करेंगे इसमें क्रंच के लिए अपनी रोस्टेड पीनट। तीन से चार मिनट में हमारी प्याज बन गई थी, अब ये मसाले भी 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, तब हम ऐड करेंगे जो बॉयल किया था हमने। अब हमारे मसाले पूरे भून चुके हैं, मैं ऐड कर दूंगी जो बॉयल हमारे गेहूं थे और स्प्राउटेड बीन्स थी, अब इसे हम मिलाकर अच्छे से पका लेंगे। 1 से 2 मिनट आप टॉस कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, पर खटास बढ़ जाएगी इसलिए मैंने नहीं डाला है, क्योंकि हमारा जो मसाला था वो फर्मेंटेड था। मैंने आपको बताया कि सॉसेज मैं यूज की हूँ और थोड़ा सा मैं
सोया सॉस भी डालूंगी। जो टेस्ट को हमारे इन्हेंस कर देगा। आप चाहें तो और सॉस भी डाल सकते हैं। टमेटो सॉस हुए, ये मैंने एक चम्मच डाल दी। बस हमारा स्काउट बीन्स की बुबरी स्काउट बीन्स के साथ तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। हमारे अंकुरित गेहूं और मल्टी बीन्स से बनी हुई बुबरी तैयार है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। इसके साथ मैंने गोभी का अचार भी सर्व किया है और ऊपर गार्निश के लिए हरी धनिया का यूज़ किया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कच्चे बीन्स जो हैं उसे ड्रिजल कर दिया। अगर आपको हमारे ये हेल्दी बुबरी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।